वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर आकाश बोरे आप सभी का स्वागत करता हूँ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। सो गाइस, आज मैं लाया हूँ आपको साइट विजिट करने के लिए हमारे आरसीसी बिल्डिंग पे। जो हमारा साइट है वहां पर आरसीसी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आइए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानते हैं। इस आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या अलग होता है, किस तरह से डिफरेंट होती है हमारे नॉर्मल बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर से। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इसका जो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। सब स्ट्रक्चर पार्ट दोनों का सिमिलर होता है। इसमें भी फुटिंग जिसमें आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारा अपकमिंग ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका प्लिंथ बीम का एरिया है वो प्रॉपरली सेम एज इट इज है, जिसमें जिस तरह से अपने नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर में होगा। क्लियर है, लेकिन इसमें जो फर्क आता है, डिफरेंस आता है इसके सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में, कॉलम का भी पार्ट उसी तरह से है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉलम, क्योंकि कॉलम जाता नहीं है हमारे आरसीसी बिल्डिंग में, क्योंकि पूरी की पूरी वॉल्स ही सारी आरसीसी की बनी हुई रहती हैं। तो कॉलम एक सर्टेन हाइट तक आता है एज अ फ्रेम, जिसमें कि वो अपना लोड ट्रांसफर कर पाए सब सॉइल पे। क्लियर, इसमें बीम कनेक्टेड है, बीम अटैच्ड है। देन आफ्टर हम बात करते हैं, जैसे कि आप वहाँ पर देख पा रहे कुछ कॉलम्स ऊंचे हाइट तक निकले हुए हैं, वो इसी वजह से निकले हुए हैं क्योंकि वो फ्रंट पोर्शन है हमारे बिल्डिंग का, जिसमें कि जो एक्सटेंडेड पोर्शन रहेगा जिसमें कि बालकनी वगैरह निकलेगी, इसी वजह से वहाँ पर एक प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर कॉलम को ऊपर तक उठाया गया। यहाँ पर जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पर बेस फ्लोर रहेगा, इसी वजह से यहाँ पर कॉलम की हाइट यहाँ तक ही है, इसमें बीम कनेक्टेड है प्रॉपरली। क्लियर, इसके बाद की कहानी जो इसके ऊपर की कहानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आरसीसी बिल्डिंग को समझने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरह से डिफरेंस और क्या क्या सारी चीज़ें अलग हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर जो हमने देखा प्लिंथ बीम, सिमिलरली गाइस यहाँ पर देखिए ये कास्टेड प्लिंथ बीम है। जब ये प्लिंथ बीम कास्टिंग के टाइम क्या होगा, इसमें इस तरह से जो रेनफोर्समेंट है, क्लियर, इस तरह से रेनफोर्समेंट लगाई जाएंगी आरसीसी मेंबर के लिए, क्लियर, आरसीसी वॉल्स के लिए प्रॉपरली। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्रेम, पूरा का पूरा जाल यहाँ पर बनाया गया है आरसीसी के लिए प्रॉपरली। ऑब्वियसली बात है गाइस, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हम पढ़ते हैं और जो एक्चुअल साइट में होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर, जो हम कैलकुलेशन पार्ट में करते हैं और जो साइट पर एग्जीक्यूशन के वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वर्किंग एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है साइट पर काम करते वक्त, कि कितना एफिशिएंटली कोई भी एक प्रोजेक्ट को फिनिश अप कर रहा है, कितना जल्दी प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसके कवर की, तो जो कवर रहेगा इसमें भी 25 mm का कवर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पूरा फ्रेम बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर देखिए कवर लगा हुआ है प्रॉपरली। क्लियर, और इसमें जो शटरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा वो रहेगी माइवन शटरिंग। क्लियर गाइज, जो स्पेसिफिकली इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए जो शटरिंग यूज़ की जाती है वो है माइवन शटरिंग, MIVON माइवन शटरिंग। आप यहाँ पर देख सकते हो उसका सैंपल, यहाँ पर माइवन शटरिंग का सैंपल है, यहाँ पर शटरिंग लगी हुई है क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट कास्ट होने वाला है। मैं आपको बिल्डिंग में भी दिखाना चाहूँगा जो ऊपर तक फ्लोर कास्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर क्लियरली कि यहाँ पर देखिए बिल्डिंग भी ऊपर तक कास्ट हो रही है, इसका फाइनल फ्लोर बनने के लिए जा रहा है प्रॉपरली वहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये भी आपको आगे चल के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए मैं आपको थोड़ी और चीज़ें दिखाता हूँ कि अब देखिए जब हम बात करते हैं कि जो हमें बार्स एक्सटेंड करके निकालनी होती है हमारे बीम तक, तो वो तो एक पर्टिकुलर हाइट तक निकलती है क्योंकि ये स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन है ये भी। क्लियर, क्योंकि जब बीम की कास्टिंग होगी तो हम ये पूरा का पूरा जाल, जो ये पूरा का पूरा फ्रेम है आप देख रहे हैं, वो पूरा एक साथ नहीं लग सकता, ये भी स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन होता है। तो जब बीम के कास्टिंग के लिए जब कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे तो उसमें एक देखिए पर्टिकुलर हाइट तक हमारी रेनफोर्समेंट निकली रहेगी। क्लियर है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर हाइट तक हर एक रेनफोर्समेंट ऊपर निकली हुई है, किस वजह से, क्योंकि इसको भी हमको प्रॉपरली लैपिंग प्रोवाइड करना है, इस वजह से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर निकली है, क्योंकि हम सारा का सारा फ्रेम एक बार में तो नहीं लगा सकते, इसी वजह से ये पर्टिकुलर हाइट तक निकलता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जैसे ही हमारा पूरा बीम जो है प्रॉपरली कास्ट हो जाती है, बीम कास्ट होने के बाद गाइस जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बैक फिलिंग होती है। क्लियर, यहाँ पर मुरूम फिलिंग हुआ है, बैक फिलिंग होती है। बैक फिलिंग होने के बाद जो इसका पूरा फ्रेम का काम है उसको स्टार्ट किया जाता है। फ्रेम के काम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए क्लियरली यहाँ पर लैपिंग होके लगी फ्रेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली लैपिंग होके यहाँ पर फ्रेम हमारा ऊपर गया है।
लैपिंग जोन जो यहाँ पर है, जो लैपिंग डिस्टेंस यहाँ पर, उसका उतना मैटर नहीं होता कि लैपिंग जोन या लैपिंग डिस्टेंस कहाँ आना चाहिए। ऑब्वियसली बात, इसके सेंट्रल पार्ट पर तो नहीं रहना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट्स है, जैसे अगर आपको छज्जा निकालना है तो वो किस तरह से बनता है, क्योंकि ये आरसीसी है तो ये तो एक बार में कास्ट होने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आरसीसी फ्रेम में अगर छज्जा लगाना है तो वो किस तरह से लगेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरफ हमारा छज्जा लगा हुआ है, मैं आपको प्रॉपरली उसको दिखाता हूँ। चलते चलते मैं आपको यहाँ पर माइवन शटरिंग और सारे स्पेसिफिकेशन भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर वायरिंग के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल फंक्शन है, क्लियर, वो भी हमारे वॉल्स के अंदर से होके निकल रहा है, इसी वजह से उसको भी शुरुआत कर दिया गया, उसको भी फाइनली लगाने का यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर। इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा स्टेयर केस का पार्ट है, इसमें माइवन शटरिंग लगी हुई है प्रॉपरली, ये हमारा स्टेयर केस का पार्ट हो गया। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको जो छज्जे की बात कर रहा था, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख सकता है, यहाँ पर देखिए आप जो यहाँ पर प्रॉपर छज्जा का पार्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहले से ही लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आरसीसी पार्ट है, ये एक साथ कास्ट होने वाला है, इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छज्जे का जो पैटर्न है, जिसको हम गन बार के तौर पर देखते हैं, ये जो बाहर निकली रहती है, इस बार को हम गन बार कहते हैं, क्लियर। इसके पैटर्न पे ये छज्जा पहले से ही लगा हुआ है, ताकि इसको जब हम एक बार में कास्ट करें तो साथ ही साथ ये भी कास्ट हुआ, और ये जो हमारा पोर्शन है ये विंडो के ओपनिंग के लिए ओपन रखा गया है। तो आइए हम और थोड़ा चलते हैं पास में और देखते हैं प्रॉपरली कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपरली, मैं आपको यहाँ से ही दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर देखिए जो हमारा वॉल का स्पेसिंग है, क्लियर आपको दिख रहा होगा, अंदर वॉल का जो स्पेसिंग है शटरिंग के बीच में, उसको प्रॉपरली सेट किया जाता है स्पेसिंग के हिसाब से, और वहाँ पर पूरा बार लगाया जाता है। पूरे घर पर स्टील बार का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कि जब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टील कंज्यूम होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट में, तो इसका कॉस्ट तो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट में हमारा स्टील लगने वाला है प्रॉपरली। लेकिन इसका जो बेनिफिट भी ये होता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो इतना फास्ट और वो इतना जल्दी होता है कि, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, देखिए आप, और भी हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रॉपरली आरसीसी हैं, उनमें जो कंस्ट्रक्शन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है प्रॉपरली। इसमें इतना जल्दी और फास्ट कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को इतने जल्दी फ्रॉम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक फटाफट बना सकते हैं। इसका सबसे यूजफुल और सबसे ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि आज के टाइम में टाइम भी एज अ मनी के रूप में यूज़ किया जाता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में। अगर आप टाइम बचाते हैं, दैट मीन्स आप मनी भी सेव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लेबर की एफिशिएंसी, मटेरियल की एफिशिएंसी, वेदर कंडीशन, सारी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर उसमें इन्फ्लुएंशियल रहती है। इन सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को लेकर हम जो प्रॉपरली वर्क करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, आपको हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में सिविल गुरु जी की ट्रेनिंग दी जाती है हर एक पार्ट में, कि एस्टिमेशन से लेकर पूरा फिनिशिंग तक, डिटेल पे बिलिंग को पार्ट को इंक्लूड करते हुए सारी चीज़ें, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, सारी चीज़ों के साथ आपके साथ ट्रेनिंग की जाती है। जो एक गाइस जो सिविल गुरुजी ने पैटर्न लाया है, इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल कॉर्पोरेट का नॉलेज दिया जाता है, जो कि हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स www.civilguruji.com पर आप विजिट कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं एक खास चीज़ बता दूं गाइस, जो इसका लॉकडाउन तक जो ऑफर था सिविल गुरुजी ने रखा था, वो प्रॉपरली 8,000 रुपीज़ था जो लॉकडाउन तक के लिए ऑफर था, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो है 35,400 रुपीज़ जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन सिविल गुरुजी ने सारे टर्म्स, जो सारी डिटेलिंग्स थी, इसको एकदम मिनिमम रेट, ताकि हर एक इंजीनियर्स तक हमारा नॉलेज, हर एक इंजीनियर्स तक हमारी ये कॉन्सेप्ट पहुंचा सकें। अगर आप चाहते हैं इन सारी चीज़ों से जुड़ना, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 9111001234, इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल नीचे कमेंट करिए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स में चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। इसी तरह की साइट के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो गाइस, इसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे ही नए नए साइट के वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे आपके साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।